आगे बढ़ते प्रयागराज से खबर है, शायस्ता को लेकर एसटीएफ एसओजी सक्रिय हो गई है। अतीक की बहन के गांव हटवा पर पैनी नजर रखी हुई है। बाल सुधार गृह से रिहा हुए थे अतीक के बेटे। अतीक की बहन परवीन को मिली है कस्टडी और बेटों से मिलने हटवा आ सकती है शायस्ता। एजम और अबान से मिलने आ सकती है शायस्ता, इसलिए वहां नजर रखी जा रही है। शायस्ता परवीन पर घोषित है 50,000 का इनाम। अतीक की बहन के घर रह रहे हैं दोनों बेटे और इस वजह से यहां सक्रिय हो गई है पूरी टीम, क्योंकि हो सकता है कि शायस्ता अपने बेटों से मिलने के लिए पहुंचे। मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मोहम्मद गुफरान, अब क्या जानकारी, किस तरीके की वहां सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, कैसे पैनी नजर रखी जा रही है, क्योंकि ये पूरी अंदेशा लगाया जा रहा है कि शायस्ता अपने बेटों से मिलने जरूर पहुंचेगी। बिल्कुल, देखिए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से उसके दो बेटे जो है उसको बाल सुधार गृह में रखा गया था। सोमवार की शाम को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वो बाल सुधार गृह से रिहा होकर के अपने पुआ के घर हटवा गांव पहुंचे हैं, जो प्रयागराज के पूरा मुक्ति थाना क्षेत्र से जुड़ा है। और अब वहां पर एसटीएफ के साथ साथ है वो सक्रिय है, लगातार हर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। खास करके जो भुड़का नशी महिलाएं होती है उन पर ज्यादा गहरी नजर है। एक एक महिलाएं जो है उनके नाम और उनके एड्रेस तक आदेश किए जा रहे हैं। सीधे तौर पर ये कोशिश है कि अगर शायस्ता परवीन नाम छिपा करके आती है, पहचान छिपा करके आती है, तो उसको लेकर के जो जरूरी जानकारियां हैं वो एकत्रित की जा रही है। पैनी नजर रखी जा रही है और पूरी नजर है कि शायस्ता को पकड़ा जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद गुफरान ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।